Welcome all to Prep IAS. I am Dr. Mohammad Zia. This is our medieval history series और आज हम आ चुके हैं उस टॉपिक पे जिसको actually medieval history समझा जाता है real sense में. That is Arab and Turkish invasion. Now why most of the times I feel that this is sometimes people say कि sir ये these were invaders. Yes, they were invaders. और हम इनके बारे में पढ़ते हैं उसकी वजह है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं. देखिए रेलेवेंट क्या है हिस्ट्री में, अब तक हमने देखा किस तरीके से राजपूत थे, हमने उनके बारे में देखा, हमने देखा कि किस तरीके से उनका प्रेजेंस होना और उनका जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है एक रीजन बनता है कि हम जो है किस तरीके से एक इन्वेजन को इन्वाइट कर रहे होते हैं. नॉर्थ वेस्ट तक वो आ चुके होते हैं लेकिन जैसे ही जो राजपूत बॉर्डर्स हैं वो वीक होने लगते हैं ये इन्वेडर्स जो हैं ये आने लगते हैं. बहुत बार ऐसा समझा जाता है कि हिस्ट्री इज बीइंग बायस्ड दैट वी आर बीइंग टॉट अबाउट दिस. देयर आर वेरियस रीजंस दैट वी आर बीइंग टॉट अबाउट दिस. वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन. वी विल सी इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अरब और टर्किश इन्वेजन को आप देखोगे तो आप ग्रेजुअली देखोगे एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इवॉल्व होगा दिल्ली सल्तनत में. ऑब्वियसली इसी में एक्चुअली दिस इज दिस इंक्लूड्स द पार्ट फॉर दिल्ली सल्तनत आल्सो दिस होल चैप्टर दिस होल वीडियो. और वही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इवॉल्व होके मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि पूरे इंडिया को कंट्रोल करेगा, पूरे इंडिया में जो एस्टैब्लिश होगा. आफ्टर दैट वी विल सी दैट दैट मुगल एडमिनिस्ट्रेशन विल बी समथिंग जो कि ब्रिटिश ऑप्ट करेंगे. उसी में से वो अपने ब्रिटिश और यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेटिव एलिमेंट्स उसमें इंक्लूड करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, आज का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो इवॉल्व होगा. तो हम इन इस पार्ट को या इन इन इस ड्यूरेशन को बेसिकली इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे आज में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इस पार्ट से, इस मिडिवल इंडिया के पार्ट से जो है वो ली गई हैं या उसी के इवॉल्व फॉर्म का एक नतीजा है. सो लेट अस स्टार्ट द अरब एंड द टर्किश इन्वेजन. अब अरब इन्वेजन हमने देखा कि दो तरीके से हुआ. अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा आई हैव टू टेक यू इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम. अब ऑब्वियसली आप अगर मुस्लिम इन्वेजन की सो कॉल्ड बात कर रहे हैं तो हमको इस्लाम को या इस्लामिक हिस्ट्री को थोड़ा सा समझना पड़ेगा. अब इस्लाम समवेयर बिगिन इन 630s एंड 640s 650s AD और उसके बाद हम देखते हैं दैट इनिशियली वाज द फेज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद. और उनके बाद एक जब वो इस दुनिया से चले गए तो एक बहुत बड़ा सवाल आया मुसलमानों में, पूरी दुनिया की, हिंदुस्तान में तो खैर तब था ही नहीं, खासतौर पर जो अरब के मुसलमान थे क्योंकि जब तक प्रॉफिट मोहम्मद थे ही वॉज द स्पिरिचुअल रिलीजियस पॉलिटिकल मिलिट्री लीडर of Muslims throughout the world. But what after him? Then evolved the position of caliph ya khalifa. Ab caliph jo hai, jo khalifa hai, wo kaun? Wo musalmanon ke religious as well as spiritual as well as मिलिट्री लीडर. तो आप एक बात मानिए कि मुसलमानों ने एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को क्रिएट कर दिया जिसमें पॉलिटिकल और रिलीजियस दोनों पावर थी या दोनों चीजों का उसमें रिलीजियस ज्यूरिसप्रूडेंस, रिलीजियस इंटरप्रिटेशन एज वेल एज मिलिट्री कमांड एंड वट एवर वॉज बींग सेड बाय खलीफा वॉज कंसिडर्ड एज द फाइनल वर्ड. और ये फिर ये खिलाफत रही, ये खिलाफत रही टिल 1919 जब ऑटोमन एम्पायर क्या एंड होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद. ये खलीफा वहां खत्म होंगे, इसी के अगेंस्ट जो है खिलाफत मूवमेंट आपने मॉडर्न हिस्ट्री में देखा होगा या आगे चल के आप देखेंगे अगर आप सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं तो आपने जो मॉडर्न हिस्ट्री में तो वो इसी खिलाफत को बचाने के लिए क्योंकि तब खिलाफत जो है वो उस्मानिया के पास थी, उस्मानिया हुकूमत के पास थी, दैट इज द अरब्स द टर्किश. तो वहां से हम देखते हैं कि खिलाफत वहां आके जो है वो खत्म. तो अब हम जिस दौर की बात कर रहे हैं खलीफा वलीद जो थे, अब ये इस वक्त खिलाफत जो थी, जो खलीफा थे, जो कैलिफ थे, वो कहां से थे? वो अरब ओरिजिन के थे. अब
उस दौर में खलीफा वलीद की परमिशन से अल हज्जाज जो है, अल हज्जाज गवर्नर ऑफ इराक था, अब ये अरब्स का अभी कंट्रोल है, तो वो क्या करता है, मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है सिंध की तरफ, और वो मोहम्मद बिन कासिम जो है वो सिंध को एक्वायर करता है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव इज बैटल ऑफ रिवार। बैटल ऑफ रिवार जो है, इट वॉज बिटवीन दाहिर और मुल्तान, मतलब जस्ट द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर, जस्ट द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर, वो कहाँ आ जाता है, वो अरब्स के कंट्रोल में आ जाता है, वो खिलाफत का हिस्सा बन जाता है, वो खलीफा का जो एम्पायर है उसका हिस्सा बन जाता है। सिटी ऑफ गोल्ड कहा मुल्तान को। अब एक कभी मतलब आपने सोचा होगा कि सर एक दौर था कि वो पाकिस्तान वाले साइड इंडस वैली थे, और फिर पाकिस्तान वाला जो साइड है वहां पे आर्यंस आए, और फिर वहां से वो आर्यंस प्रोपगेट हुए। देन व्हाट वाज द रीजन, दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन दैट दैट पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ब्रिटिश इंडिया लेट्स से, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला जो रीजन था, वो मुस्लिम डोमिनेटेड होने की वजह यही है क्योंकि बाकी इंडिया से बहुत पहले मुस्लिम रूलर्स जो है वो वहां आ चुके थे। एंड दिस इज एविडेंट। अब देखो जो लुटेरा होगा, जैसे आगे चल के हम देखेंगे महमूद गजनी के बारे में हम देखेंगे, तो वो लुटेरा था, उसको आप कोई और वर्ड है ही नहीं उसको डिफाइन करने के। लेकिन जो लुटेरा नहीं होता है, आपको एक चीज समझनी होगी कि यहां पर जैसे हम इनकी बात करेंगे, मोहम्मद बिन कासिम आया कैप्चर किया क्योंकि यही लैंड वॉज द सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। जिसके पास जितना बड़ा एम्पायर होगा, जिसके पास जितना बड़ा साम्राज्य होगा, वो क्या होगा, वो उतना बड़ा राजा कहलाएगा। खलीफा को अपने आप को इस्टैब्लिश करना था, उन्होंने कहा ठीक है, एक्वायर मोर एंड मोर लैंड फॉर अस। गवर्नर ऑफ इराक ने भेजा, और ये उस समय का रूल था, राजा लड़ते थे, जिसके पास जिसका रूल आ जाता था, जिसके पास जिसका कब्जा आ जाता था वो बन जाता था। सो दिस हैपेंड, बट दे वर नॉट समवन जिनको आके प्लंडर करके वापस जाना था। उन्होंने कहा नहीं, वी हैव टू स्टे बिकॉज वी हैव टू इंक्लूड दिस इनटू आवर एम्पायर। देन बिकॉज ऑफ विच दे डेवलप्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भाई साहब जो आज इनको पढ़ने की वजह यह है क्योंकि इन्हीं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में इवोल्यूशन और एडिशन डिलीशन होते 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 आज का जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो बना। सो सिंध एंड मुल्तान दे वर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ इक्ता, इक्तादारी का यहाँ पे आया, और जनरली इन इक्ताज का जो हेड होता था वो अरब मिलिट्री ऑफिसर होता था। इक्ताज जो है वो सब डिवाइडेड होता था, सब डिविजन होते थे, और ये जो डिस्ट्रिक्ट होते थे ये दिस वर मैनेज बाय लोकल हिंदू ऑफिसर्स, मतलब वो भी उनकी सुपीरियोरिटी को, वो भी उनकी सोवरेनिटी को, वो भी उनकी सुजरानिटी को एक्सेप्ट कर रहे थे और वो उनके अंडर काम कर रहे थे। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि जजिया की शुरुआत, जजिया विच इज अ रिलीजियस टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स, व्हाई, बिकॉज रिलीजियस टैक्स ऑन मुस्लिम्स already existed in the Sharia, Sharia which is the Islamic jurisprudence, Islamic law, that is zakat. तो मुसलमान जो है वो zakat देता था, और जो non-Muslim है उनके ऊपर, क्योंकि वो already religious obligation में थे कि उन्हें tax देना है, तो when they came here and they found that there are people who are non-Muslims, they also have to pay, that was jizya. Jizya की शुरुआत हिंदुस्तान में यहाँ से। लेकिन खलीफा वलीद, कैलिफ वलीद के बाद जो है खलीफा सुलेमान आते हैं, और उनका जो है अल हज्जाज जो गवर्नर था इराक का, उनके साथ कुछ अच्छा मतलब हिसाब किताब नहीं था, मतलब वो फैसल खान और रामाधीर सिंह वाला हिसाब था उनका, गैंग्स ऑफ वासेपुर चल रही थी। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम इधर हो तो हम तुम्हारा जो है आदमी को निपटा देंगे, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो अल हज्जाज का दामाद था, वो सन इन लॉ ऑफ अल हज्जाज, एंड सो ही डिसमिस्ड हिम, मेसोपोटामिया भेज दिया, एनीवेयर ही वाज टॉर्चर्ड टू डेथ। और अगले 150 साल तक सिंध और मुल्तान क्या रहे, सिंध और मुल्तान दे रिमेन पार्ट ऑफ खलीफाज एम्पायर, सिंध एंड मुल्तान दे कंटिन्यू टू रिमेन पार्ट ऑफ खलीफाज एम्पायर। बट इफ यू विल सी अरब कॉन्क्वेस्ट, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है इंडिया के ऊपर, फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट impact of the Arab conquest on India was that it made the way for Islam into India. ऐसा नहीं था कि इस्लाम
हिंदुस्तान में सिर्फ इस अरब कॉन्क्वेस्ट से आया। आप साउथ का एग्जांपल लोगे तो वहां पर भी ट्रेडर्स के थ्रू इस्लाम का जो है अराइवल हो चुका था, लेकिन मेन एंट्री जो होती है, मेजर एंट्री जो होती है वो यहां से होती है। उसकी वजह यह क्योंकि यहां पर रूल शुरू होता है, और यही डिफरेंस है ट्रेड करने में और रूल करने में। वो नीचे से ट्रेड कर रहे थे, मस्जिद वहां भी बन रही थी, बट उनका हिस्ट्री में कोई ऐसा मेंशन नहीं है। आप साउथ की अगर आप खासतौर पे केरल की जब आप हिस्ट्री देखोगे तो आपको दिखेगा वहां पे कि किस तरीके से जो है वो शुरू हो गया था, इस्लाम का एडवेंट हो गया था, ट्रेडर्स आ रहे थे, उनके साथ दूसरों के रिलेशन अच्छे थे, बट यू विल फाइंड दैट दिस वॉज हैपनिंग। देन अपार्ट फ्रॉम दैट एडमिनिस्ट्रेशन, एस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक, पेंटिंग, मेडिसिन, आर्किटेक्चर, ये अरब यहाँ से सीख रहे थे, और वो पूरी दुनिया में खासतौर पर यूरोप की तरफ जो है वो एक तरीके से इंडिया और यूरोप के बीच एक ब्रिज का काम किया। किसने? इस अरब इन्वेजन ने। इस अरब इन्वेजन ने क्या किया? इंडिया और यूरोप के बीच एक ब्रिज का काम किया, एंड बिकॉज ऑफ विच वॉट हैपन्ड दैट ऑब्वियसली, देखो जब भी कोई ट्रेड रूट ओपन होता है, जब भी कोई कॉन्क्वेस्ट के थ्रू रूट ओपन होता है, हमने एंशियंट हिस्ट्री में देखा कि किस तरीके से जब ग्रीक्स आए तो इंडो ग्रीक्स के थ्रू इंडिया और ग्रीस के बीच ट्रेडिशनली जो डेवलपमेंट हुआ हमने उसको देखा। इसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से इंडो पार्थियंस आते हैं, पर्शियंस आते हैं, तो एक एक नया जो है कल्चरल रूट हमेशा डेवलप होता है। कुशान एम्पायर में हमने देखा कि कैसे ईस्ट एशिया के साथ और सॉरी सेंट्रल एशिया के साथ जो है सिर्फ मतलब एक तरीके से कल्चरल नहीं, कल्चरल, ट्रेड, आर्ट, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, एवरीथिंग दैट यूज्ड टू गेट डेवलप अलोंग विद दिस। सो दिस आल्सो हैपेंड हियर। लेकिन 8th और 9th सेंचुरी में क्या होता है, ये जो अरब्स थे अभी हमने जिनके बारे में देखा, जैसे खलीफा वलीद थे, खलीफा सुलेमान थे, तो इनकी जगह अब क्या होता है, जो सीट ऑफ द कैलिफ है बगदाद में उस वक्त होती थी, वो भी अरब में नहीं होती थी, वो इराक की तरफ होती थी, और वहां से जो डोमिनेशन मुस्लिम वर्ल्ड पे अरब्स का चल रहा था, अब 8th और 9th सेंचुरी में वो डोमिनेशन किसके पास आ जाता है, वो डोमिनेशन टर्किश लोगों के पास आ जाता है, एंड उनको अब अगेन लैंड इज द सिंबल ऑफ प्रोस्पैरिटी, लैंड इज द सिंबल ऑफ प्रोस्पैरिटी, तो क्या होता है, वो सिंध और मुल्तान की तरफ आना शुरू करते हैं, एंड वो सिंध और मुल्तान से आगे जाने की बात करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब हमें जो है वो अरब्स ने जितना भी ऑक्यूपाई किया था उससे ज्यादा ऑक्यूपाई करना है, तो वो अपनी बॉर्डर्स एक्सपैंड करने की बात करते हैं। इसकी शुरुआत यहां से होती है 10th सेंचुरी में, जब महमूद गजनी इन्वेडेड इंडिया एंड ही वॉज द फर्स्ट टर्किश टू इन्वेड इंडिया। दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फ्रॉम योर पीटी पॉइंट ऑफ व्यू, पीटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, क्यों? द फर्स्ट टर्किश टू इन्वेड इंडिया, दैट इज महमूद गजनी। गजनी जगह का नाम था, महमूद उसका टाइटल था, तो महमूद ऑफ गजनी। और वो सिर्फ ही, नो डाउट ही रिटर्न्ड विद एनॉर्मस वेल्थ, और एक लास्ट ईयर वन ऑफ माई स्टूडेंट वॉज फ्रॉम सोमनाथ, और उसने बड़ी अच्छी कहानी सुनाई। उसने बताया कि महमूद गजनी जब, उसने कभी समंदर नहीं देखा था, और वो समंदर देखने के लिए जो है वो आता है और उस गुजरात की बॉर्डर तक, एंड तक जाता है, वहाँ सोमनाथ के मंदिर पे वो देखता है, तो वो देखता है कि लोग जो है अलग अलग ऐसे कैंप फायर सॉर्ट ऑफ अलग अलग हिस्सों में जल रहे थे, और कुछ हर किसी किनारे कुछ लोग ऐसे 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 बैठे हुए थे। तो उसने पूछा ये क्या हो रहा है, तो बोले ये खाना बना रहे हैं। तो बोले क्यों, ये तो सब एक हैं, एक ही मंदिर के आसपास हैं। तो बोले नहीं, ये खाना साथ में नहीं खा सकते, कोई ऊँची जात का है, कोई नीची जात का है, तो ये खाना साथ में नहीं पका सकते। देन महमूद गजनी सेड दैट इट इज वेरी इजी टू कॉन्कर देम। बोले हाउ? बोले जो साथ में खाना नहीं खा सकते उनको हराना बड़ा आसान है। एंड सी, उसने सबको हराया, उसने जयपाला को हराया, द हिंदू शाही रूलर, उसने फतेह दाऊद को हराया मुल्तान के, उसने आनंदपाल को हराया, चंदेलाज रूलर्स ऑफ मथुरा, कन्नौज, ग्वालियर, सबको, क्योंकि उसको एक चीज दिख गई ना कि जो साथ में खाना बैठ के खाना नहीं खा सकते। There's a famous saying, the family that eats together lives together, something like that. Same thing, and this was done by Mahmud Ghazni way earlier. They pointed out by him ki ye saath mein nahi kha rahe, inko main hara dunga, inko main easily loot lunga.
देन आफ्टर गजनी, सो नो डाउट दैट अब उसने अगर गजनी से लेके हिंदुस्तान तक और सोमनाथ तक जो है वो आता है, तो गजनी वॉज नो डाउट वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट मुस्लिम रूलर्स ऑफ एशिया. अब यहाँ ग्रेटनेस का पैमाना या ग्रेटनेस का जो मेजर है, वो ग्रेटनेस का मेजर उसके इस पे डिपेंडेंट नहीं है कि वो कितना अच्छा राजा था. इस ग्रेटनेस का जो मेजरमेंट है वो इस पे डिपेंडेंट है कि वो किस तरीके का रूलर था, मतलब उसका एम्पायर कितना बड़ा था. एंड नो डाउट अगर आप सेंट्रल एशिया और मुस्लिम वर्ल्ड की हिस्ट्री देखोगे तो महमूद गजनी इज समवन हु इज considered to be one of the finest rulers at that point of time. Not because he looted, because of, you know, he expanded the limits of the empire which was restricted to Sindh and Multan for a very long duration of time. He patronized art and literature, he is Firdausi, Al-Biruni uske daur mein the. But 1186 tak aate aate, this rule went down, this rule of Mahmud Ghazni went down. Aur yahan par Mahmud Ghori jo hai, Mahmud Ghori jisko रेफर किया जाता है, उसका टाइम शुरू होता है. गुरीद तो बेसिकली होता यह है कि गजनविद जो रूल है, गजनविद रूल है वो खत्म होता है और जो गुरीद रूल है वो स्टार्ट होता है. मतलब गजनविद का डोमिनेशन कम होता है और गुरीद का डोमिनेशन क्या हो जाता है, बढ़ता है. Mahmud Ghori was the third, 1149 to 1206 was his life, you know, 50, 55, 56 years was his life, you know, life, and he was the third Muslim ruler who invaded India. First Khan, Muhammad bin Qasim, then Ghaznavid, and then Ghori. Or, aisa nahi hai, he invaded India in 1176 AD for the first time. Wo koshish karta hai. Aur ek cheez dhyan rakhna. थोड़ा सा नॉट टू स्केल, लेकिन रूट ऑफ इन्वेजन यही रहता है. हर कोई नॉर्थ वेस्ट से आता है. यहाँ से जो ट्रेडर्स आ रहे थे वो किसी ने इंपॉर्टेंस ही नहीं दी. ठीक है, ट्रेड वेड करते रहो, हमें इंपॉर्टेंस देना ही नहीं. हिस्टोरियंस ने कभी उन रूलर्स को, उन ट्रेडर्स को इंपॉर्टेंस नहीं दिया. बट द डिसिसिव बैटल वॉज फर्स्ट बैटल ऑफ तराई 1191. अब आपको ये देखना है कि सर ये अब यहाँ से बहुत सारी बैटल्स का जो है दौर, यहाँ पे बहुत सारी बैटल्स का दौर शुरू होगा. बैटल्स को कैसे आपको टैकल करना है, टेल यू. बैटल्स को ऐसे टैकल करना है दैट यू मेक अ लिस्ट. लिस्ट कैसी, यहां पे आप लिखोगे बैटल पहले कॉलम में, जैसे हमने लिखा बैटल ऑफ तराई. ठीक है, ईयर 1191, तराई वन लिखो, तराई बैटल ऑफ तराई. Battle of first battle of Tarai. Then between whom? Between Mahmud Ghori and Prithviraj Chauhan. Who was victorious? Usko encircle kar lo. Idhar aur koi remarks ho, kyunki aage chal ke aap ye medieval India mein nahi hoga, modern India mein aap jab battles ko dekhoge na, chahe Buxar ho, Plassey ho, kisi bhi ka hoga, to wahan pe aap dekhoge ki this battle is followed by a treaty. जैसे एंग्लो मैसूर वॉर्स में देखोगे, एंग्लो मराठा वॉर में देखोगे, एंग्लो सिख वॉर में देखोगे, एंग्लो अफगान वॉर में देखोगे, तो ढेर सारी ट्रीटीज हैं. एवरी वॉर विल बी एंडेड बाय ट्रीटी. लेकिन ये ट्रीटी वाला आइटम जो है ना, ये मिडिवल इंडिया में नहीं होता. फिर आप लिखोगे बैटल ऑफ तराई सेकेंड, कब हुई, 1192. किसके बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान. विक्टोरियस कौन, मोहम्मद गौरी. इस तरीके से पूरी लिस्ट बनाना. दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर. ध्यान रखना, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. देन लेकिन हुआ क्या था, 1189 में इसने मोहम्मद गौरी ने अटैक किया था और भटिंडा तक उसने, भटिंडा का जो किला है उसे कैप्चर कर लिया था. अब भटिंडा का किला कैप्चर करने के बाद ही बिकेम अ थ्रेट टू द किंगडम ऑफ पृथ्वीराज चौहान. चौहान्स हु, चौहान्स ऑफ अजमेर, हु केम टू दिल्ली, टुक दिल्ली फ्रॉम तोमर्स. तोमर्स हु वर अर्लियर रूलिंग दिल्ली बिकेम देयर फ्यूडिटरी. दिस इज व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट सेशन. नाउ पृथ्वीराज चौहान क्या करता है, वो फर्स्ट बैटल ऑफ तराई, यू नो, इसके बात कर रहे हैं, 1191 में वो अटैक करता है भटिंडा के ऊपर और फर्स्ट बैटल ऑफ तराई में मोहम्मद गौरी को हराता है और भटिंडा को रिकवर करता है. सेकेंड बैटल ऑफ तराई अब क्या होता है, और वो बाद में ये होता है कि जितने दूसरे राजपूत रूलर्स थे उनको वो ज्वाइन करता है, कंबाइंड आर्मी बनाता है, कंबाइंड फोर्स बनाता है. एंड they all came, but this time Mahmud Ghori was successful. Mahmud Ghori जो है वो इस बार
उनको हरा देता है, द कंबाइंड आर्मी ऑफ राजपूत्स. पृथ्वीराज चौहान ही वॉज कैप्चर्ड एंड ही वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड एंड लेटर ही वॉज पुट टू डेथ. और यहां से हम देखते हैं ये सेकेंड बैटल ऑफ तराई जो है वो शुरुआत होती है मुस्लिम रूल और द टर्किश रूल बिगेन, यू नो टर्किश रूल हिंदुस्तान में जो शुरू होता है वो सेकेंड बैटल ऑफ तराई के बाद होता है. कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गौरी का कमांडर होता है और इसी दौरान 1193 से लेके 1198 तक, इस टाइम तक मोहम्मद गौरी भी यहीं रह रहा होता है और दिल्ली को वो अपनी कैपिटल बनाता है. और कुतुबुद्दीन ऐबक जो इतनी राजपूत म्यूटिनीज होती हैं, क्योंकि दिल्ली उस वक्त राजपूत और राजपूत क्लैन से सराउंडेड था, तो जितनी राजपूत म्यूटिनीज होती हैं, जितने राजपूत जो हैं वो आते हैं, उनको क्या करता है, उनको हराता है एंड ब्रॉट मैनी रीजन्स अंडर हिज कंट्रोल. तो ग्रेजुअली वो दिल्ली की जो सल्तनत है उसको एक्सपेंशन का काम करता है और मोहम्मद गौरी क्या करता है, दिल्ली को अपनी कैपिटल बना लेता है. उसके बाद उसका दिल नहीं लगता है एंड ही केम वेंट बैक. इन द मीनवाइल वन मोर बैटल, आई एम सॉरी, बैटल ऑफ चांदवार. यहाँ पर जयचंद कन्नौज का जो राजा था, राजपूत रूलर था, उसको हरा के कन्नौज भी उनके कंट्रोल में आ जाता है. बख्तियार खिलजी जो है आगे चल के वो आगे चलता है और वो क्या करता है 1202 में विक्रमशिला को और 1203 में नालंदा को डिस्ट्रॉय करता है. अब बोलो सर ये कहाँ से आ, मतलब क्या इसमें लॉजिक है कि यूनिवर्सिटीज को तबाह कर देना और वो अफगानी या अफगानी था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और लाइब्रेरीज को आग लगा देना, क्योंकि देखो रेवोल्यूशन इनकलाब क्रांति ये हमेशा पढ़े लिखे लोग लाते. समाज में जब भी बदलाव होगा, समाज में जब भी एक ऑटोक्रेटिक राजा के खिलाफ जब भी आवाज उठेगी तो वो हमेशा एक पढ़ा लिखा तबका लाएगा. बेचारा जो गरीब है, जो अनपढ़ है, जिसने नहीं पढ़ा, आप उससे इनकलाब की तवक्को नहीं रख सकते, आप उससे क्रांति की उम्मीद नहीं रख सकते. उनको पता था कि जो पढ़ा लिखा, आप जब भी देखिए जब किसी भी डेस्पोटिक रूलर का, किसी भी ऑटोक्रेटिक रूलर का सबसे पहला जो अटैक होगा वो हमेशा यूनिवर्सिटीज पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे होगा, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक बहुत बड़ी पावर देते हैं. द पावर टू क्वेश्चन. कलम से जो इनकलाब आता है वो तलवार से नहीं आ सकता, तो सबसे पहले कलम को तोड़ दो. और ये आज का नहीं, ये दुनिया का उसूल रहा. बिकॉज एजुकेशन तो एनलाइटमेंट है, एनलाइटमेंट ही नहीं रहेगा तो अंधेरा आराम से फैल सकेगा. अगर अंधेरा को फैलना है तो वो कहते ना, वो अंधेरे को हमेशा रोशनी का डर होता है, तो वो डर को ही खत्म कर दिया कि दैट्स व्हाई देयर एंड एवरी टाइम दिस विल हैपन. वन ऑफ द फाइव ग्रेटेस्ट और वन ऑफ द बिगेस्ट सिंबल ऑफ एनी ऑटोक्रेटिक रूलर जिसको डार्कनेस की तरफ उस पूरे समाज को धकेलना है वो ये होगा कि वो यूनिवर्सिटीज पर अटैक करेगा. तो खैर ये बिहार बंगाल कन्नौज इस पूरे जो कहना चाहिए कि गंगा यमुना का दोआब वाला बेल्ट है उसकी तरफ जो है ये अटैक करते हैं और उसको अपने उसमें लेते हैं. उसके बाद डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी ये हो जाता है. अब ये सेंट्रल एशिया वापस जा रहा होता है और 25 मार्च 1206 को ये खत्म हो जाता है, इसका एंड हो जाता है. एंड ही वॉज अ रियल फाउंडर ऑफ द टर्किश एम्पायर इन इंडिया. और यहीं से अब यहाँ उसके जितने पोजेशंस थे, उस पोजेशंस का जो इंचार्ज था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था. और जब तक अपना उसके मालिक, क्योंकि वो स्लेव था, ये क्या स्लेवरी तब चलती थी, स्लेवरी प्रेवलेंट थी, तो वो स्लेव था और वो ये देखता है कि जब तक मेरे मालिक हैं मैं जो है अपने आप को डिक्लेयर नहीं करता. लेकिन जैसे ही उसको ये पता चलता है कि मेरे मालिक जो है वो जिसने मुझे ख़रीदा है, मेरा जो ओनर है, अब वो नहीं रहा, नाउ आई एम फ्री एंड नाउ आई डिक्लेयर माई सेल्फ एज सुल्तान ऑफ दिल्ली एंड हेंस दिल्ली सल्तनत. द टाइम ड्यूरेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत बिगिन विद द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी 1206. बट द रियल फाउंडर ऑफ टर्किश एम्पायर
in India is लेकिन क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव था तो इसीलिए हम इसे स्लेव डायनेस्टी कहते हैं. स्लेव डायनेस्टी विच लास्टेड फ्रॉम 1206 टू 1290 एंड दिस वाज द फर्स्ट ऑफ द मेनी डायनेस्टीज दैट विल रूल दिल्ली सल्तनत. तो हम देखते हैं सबसे पहले स्लेव आएगा, उसके बाद खिलजी आएगा, फिर हम आगे चल के देखेंगे तुगलक्स, देन सैयद्स. ठीक है, अब इसको सर याद कैसे करें, एक ट्रिक दे देता हूँ. ऐसा ही एक फ्लो चार्ट बनाना जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत लिखा है दो तीन चार पांच. ओके, सो स्लेव, स्लेव रूल फ्रॉम 1206 टू 1219. देन खिलजीज, Khilji's rule from 1290 to 1320. Then Tughlaq's rule from 1320 to roughly 1414. Tughlaq's, then Sayyid's, ऐसे आप बना लेना. Then Lodi's. ठीक है, फिर slave में सबसे पहले कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक. कब से कब तक, 1206 to 1210. ठीक है, उसके बारे में दो तीन पॉइंट्स होंगे. फिर उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद इल्तुतमिश आएगा, उसके टाइम ड्यूरेशन लिखना 1210 टू 1226 और 1236 एंड देन यू विल राइट समथिंग अबाउट हिम एंड सो ऑन. ठीक है, सो इस तरीके से आप एक एक्सपैंडेड फ्लो चार्ट हर डायनेस्टी का बना लेना. दैट विल हेल्प यू टू रिवाइज द सिलेबस, रिवाइज द होल कंटेंट एंड व्हेन यू विल मेक दिस इन अ फेयर फॉर्म यू विल रियलाइज दैट पूरी दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री कब से 1206 से कब तक 1526 तक, हाउ मेनी ईयर्स, 326 ईयर्स, 320 ईयर्स, 320 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री विल बी ऑन वन पेज. सो कुतुबुद्दीन ऐबक दो तीन पॉइंटर्स ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. सो दिस वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक. और ये कब होगा, जब जलालुद्दीन फिरोज खलजी मुइज़ुद्दीन काकाबाद को जो है वो मारेगा और खलजी इसके बाद आएंगे. So this is how now we'll see ruler by ruler. So first one in this whole sequence is Qutbuddin Ayubak, who ruled from 1206 to 1210, and no doubt he was one of the most trusted commander of Muhammad Ghori. Or इसीलिए जो भी possessions थे गौरी के हिंदुस्तान में, उसका इंचार्ज किसे बनाया गया, उसका इंचार्ज Qutbuddin Ayubak को बनाया गया. लेकिन जब 1206 में was Ghori was killed in a battle, actually he was killed by the rebellions. तो कुतुबुद्दीन ऐबक डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द सुल्तान ऑफ दिल्ली. इंपॉर्टेंट उसके बारे में जो आपको ध्यान रखना है, दो चीजें. एक कुवतुल इस्लाम मॉस्क विच वाज स्टार्ट विच इज एक्चुअली नियर कुतुब मीनार एंड द कुतुब मीनार इटसेल्फ, बट ही बिगेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार. ही वाज नॉट द वन हु ही एक्चुअली स्टार्टेड, ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार बट ही वाज नॉट द वन हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार. और यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो कुतुब का कुतुब है, ये जो कुतुब का कुतुब है, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का है. कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है उस दौर के बहुत बड़े सूफी सेंट थे, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो उनका मुरीद था, उनका एक तरीके से डिसाइपल था. तो उन्होंने उसने अपने पीर के, अपने उस्ताद के, अपने मास्टर के, अपने सूफी के ऑनर में ये बनाया, इसीलिए उसका नाम कुतुब मीनार है. तो ध्यान रखिएगा कुतुब मीनार में कुतुब जो है वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का है, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक का. ठीक है, 1210 ही डाइड, बोलो लिखते वक्त उनकी डेथ हो गई, और उसके बाद बहुत ब्रीफ टाइम के लिए आराम शाह ने उनको सक्सीड किया. तो कई बार ना क्या होता है ना, यूपीएससी इस आराम शाह में इंटरेस्ट दिखा देता है कि ठीक है ये बताओ, वो पूछ लेता है ये बताओ कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद एग्जैक्टली किसने रूल किया. ओके, सो दैट वॉज आराम शाह, फाइन. आफ्टर दैट इट वॉज इल्तुतमिश मेन जो आया. इल्तुतमिश वॉज सन इन लॉ ऑफ ऐबक, और वो गुरीद रीजन्स जहाँ से, जिससे पहले हमने देखा गुरीद रीजन्स रूल कर रहा था. अगेन अ ट्यूरिक स्लेव बॉर्न इन सेंट्रल एशिया, ये भी स्लेव था.
सो कुतुबुद्दीन ऐबक भी स्लेव था, उसके बाद इल्तुतमिश बना वो भी स्लेव था, बलबन आगे चल के इम्पोर्टेंट रूलर आएगा वो भी स्लेव होगा, इस वजह से बाद में वो स्लेव से नोबल की तरफ मूव करेगा, स्लेव से जो है वो नोबल तक एनहांस करेगा खुद को, और इसीलिए इस पूरी डायनेस्टी को, इस पूरे रूल ड्यूरेशन को हम क्या कहते हैं, इस पूरे रूल ड्यूरेशन को हम कहते हैं स्लेव डायनेस्टी. नो डाउट ही वॉज इल्तुतमिश वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्लेव रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत. और इम्पॉर्टेंट क्या है कि बीच में जो कैपिटल थी, क्योंकि वो उस तरफ सेंट्रल एशिया की तरफ, नॉर्थ वेस्ट रीजन की तरफ भी रूल कर रहे थे, सो द कैपिटल वॉज शिफ्टेड फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली, द कैपिटल वॉज शिफ्टेड फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली, एंड इल्तुतमिश फोर्सेज कैप्चर्ड बिहार बंगाल. फिर से जो बिहार बंगाल पर उनका कंट्रोल खत्म हो रहा था वो उन्होंने दोबारा 1210 और 1225 में लिया. प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि स्टार्टिंग में जो टाइम ड्यूरेशन था वहाँ पे इल्तुतमिश ही नेग्लेक्टेड दैट रीजन विच वॉज बियॉन्ड इंडस वैली. तो यहाँ क्या होता है, मंगोल्स आ जाते हैं, फारसन किंग्स आ जाते हैं, बादशाह आ जाता है, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं विच थ्रेटन दी द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इल्तुतमिश. लेकिन उस अपने आप को जो है वो मंगोल सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे डेंजरस इसमें कुछ था तो मंगोल इन्वेजन था, और वो अपने आप को इस मंगोल इन्वेजन से इवन ही डिफेंड करता है, इस मंगोल इन्वेजन को भी डिफेंड करता है, एंड इन 1221 ही स्टॉप्ड एन इन्वेजन बाय चंगेज खान. तो चंगेज खान ध्यान रखना ये पीटी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है. ये जो है चंगेज खान भी 1221 में अटैक करता है, कोशिश करता है और ये उसे रोकता है इल्तुतमिश. और उसके अलावा अगर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुवतुल इस्लाम मॉस्क और कुतुब मीनार. जो जो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम शुरू हुआ था वो दोनों चीज़ों का जो कंस्ट्रक्शन है यहाँ इसके ड्यूरेशन में कंप्लीट होता है, क्योंकि अब एक चीज़ समझ में आ गई दैट वी आर हियर टू रूल. तो वो क्या करते हैं, नाउ दे स्टार्टेड टू एस्टैब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, दे स्टार्टेड टू एस्टैब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी. फॉर एग्जाम्पल मॉस्क, वाटर वर्क्स, पब्लिक एम्यूनिटीज, मतलब वॉट एवर वॉज रिक्वायर्ड फॉर अ प्लेस टू बी कॉल्ड एज कैपिटल, वॉट एवर वॉज रिक्वायर्ड फॉर अ किंग टू मेक पीपल एक्सेप्ट हिज अथॉरिटी, उसने वो सारी चीज़ें की. कॉइनेज सिस्टम, सिल्वर वॉज टका, कॉपर वॉज कॉल्ड जीतल, दो चीज़ें और हैं जो यहाँ नहीं लिखी हैं. एक है तुर्कान चहलगानी, और means is this was a group of 40 Turkish nobles. Medieval history की कहानी पता है क्या है, खासतौर पर मैंने कई बार कहा इस चीज को, खासतौर पर इस ड्यूरेशन में 1206 से लेके 1857 मिडिवल हिस्ट्री का टाइम पीरियड, और लगभग 650 साल का ये ड्यूरेशन है. इस 650 साल की कहानी पता है क्या है, बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन nobles and rulers, the power between nobles and rulers. तो उसने एक ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स बनाया जो कि उसे मंगोल इन्वेजन को कैसे जो है वो कंट्रोल करना है उसके बारे में, मंगोल इन्वेजन को कैसे कंट्रोल करना है उसके बारे में बात कर रहा था. ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इक्तदारी सिस्टम को भी उसने, जो है जो पहले सिर्फ सिंध और मुल्तान की तरफ चल रहा था उसने उसको यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस किया. And iktas means the land was divided and it was assigned to nobles in exchange of salary. There were two more things that he introduced at this time. That will come later. Important here is Turkan Chahalgani, jo ki इंट्रोड्यूस किया. और ये टर्किश, अब ये नोबल्स और रूलर्स के बीच जो बैलेंस ऑफ पावर है यही तय करता है, करेगा हर दौर में कि दिल्ली सल्तनत का शक्ल क्या होगी. नाउ यू कैन सी ये इंडिया इन 1280, तो आप ये देख सकते हैं स्लेव डायनेस्टी यहाँ तक आ चुका था, ये बिहार, ये बंगाल का हिस्सा था, लेकिन अब भी एक बहुत बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान का जो है वो राजपूत, यादव, काकाटियाज, चंदेलाज, होसाला रूलर्स, इनके पास था. लेकिन इधर से आते हुए यही थी वो जगह, खैबर से इस तरफ गजनी इधर था, तो यहाँ से ये इन्वेजन कॉन्टीन्यूसली आता था और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया.
Then, for a very brief period, came the time period of Razia Sultan, who was the first and the last Muslim ruler, Muslim woman ruler over Delhi. Unka naam Razia Al-Din tha, but Iltutmish ki death ke baad, it was for a very short duration that her Iltutmish's son and half brother of Razia, रुकनुद्दीन फिरोज जो है बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की राजा बनता है, लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज जो है नोबल्स उसके अगेंस्ट कॉन्स्पायर करते हैं, उसका मर्डर हो जाता है एंड दे मेक श्योर दैट रजिया इज सिटिंग ऑन द थ्रोन. नो डाउट रजिया सुल्तान जितने बेटे थे जितने बच्चे थे इल्तुतमिश के, उसमें सबसे ज्यादा काबिल कोई था तो वो रजिया सुल्तान था. रजिया सुल्तान थी और शी वॉज नो डाउट एन एफिशियंट रूलर वो उस टाइम पे. और एक प्रोग्रेसिव चीज भी थी कि 1206 में एक मुसलमान जो एक थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्सी से मतलब माना जाता है इसे कि वो ऑर्थोडॉक्स है. वहाँ पे आज से 800 साल पहले करीब जो है ये देखना कि एक औरत को बनाया जा रहा था, तो एक प्रोग्रेसिव स्टेप था. और ये स्टेप भी रूलर जो नोबल्स है जो ग्रुप ऑफ नोबल्स है उसने लिया था कि ये तो उन्होंने बोला ठीक है रजिया विल सिट देयर एंड वी विल रूल. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट हैपेंड दैट शी वाज मैरिड टू मलिक इख्तियारुद्दीन अल्दुनिया, और मलिक अल्दुनिया जो है वो तब गवर्नर था भटिंडा का. चार साल एक साल तो रजिया सुल्तान का रूल रहता है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि पीपल वर नॉट वेरी मच हैप्पी मतलब गोइंग डाउन टू वुमेन, क्योंकि जो भी उस तख्त पे बैठेगा उसके आगे झुकना तो पड़ेगा. तो दिस गोइंग डाउन टू अ वुमेन वॉज नॉट समथिंग विच वॉज वेरी वेल एक्सेप्टेड बाई मैनी ऑफ द रूलर्स. तो यहाँ क्या होता है ये इसके अगेंस्ट भी कॉन्स्पिरेसी शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली 1240 में रजिया सुल्तान इज ऑल्सो किल्ड बाय हिज ब्रदर फोर्सेस. उसके बाद उसका भाई मुइजुद्दीन बैरम शाह जो है वो सक्सीड करता है, बट नॉट इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट इज बलबन 1266 to 1287. एंड ये कौन था, ये वजीरुद्दीन मुइजुद्दीन बैरम शाह के बाद ये इल्तुतमिश का पोता था नसीरुद्दीन महमूद. नसीरुद्दीन महमूद का ये वजीर था एंड यू कैन सी ही वाज द 9th सुल्तान ऑफ द मामलुक डायनेस्टी. सो स्टार्टिंग फ्रॉम कुतुबुद्दीन ऐबक, देन वी हैव फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन आराम शाह, देन वी हैव इल्तुतमिश, देन फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन Din Firoz, then we have Razia Sultan, then this you know the other son, her half her brother, that is Muizuddin Bairam Shah. ठीक है, और उसके बाद Nasiruddin Mahmud भी आता है, but Balban was his grandson. So Balban was not something. यहाँ से आप देखोगे Iltutmish से लेके यहाँ तक Muizuddin Bairam Shah तक और even Nasiruddin Mahmud तक हम देखेंगे इट वॉज इल्तुतमिश डायनेस्टी विच वॉज रूलिंग. वो उसकी डायनेस्टी थी जो रूल कर रही थी, उसके जो सक्सेसर्स थे वो रूल कर रहे थे. बट दिस चेंज जब बलबन आता है. बलबन का ओरिजिनल नाम था बहायुद्दीन एंड अगेन क्योंकि इल्तुतमिश का स्लेव था, बट ही रोज अप टू द रैंक्स क्विकली. और नो डाउट हाउ ही रोज अप टू दैट पार्ट बाय कैरिंग आउट सक्सेसफुल मिलिट्री ऑपरेशन. और जैसे ही नसीरुद्दीन महमूद की डेथ होती है, बलबन अपने आप को क्या करता है, बलबन अपने आप को डिक्लेयर करता है एज उसका कोई भी मेल प्रेडिसेसर सक्सेसर आई एम सॉरी उसका कोई भी मेल सक्सेसर नहीं था. ओके, अब इम्पॉर्टेंट क्यों है कोई भी राजा. अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंस है फिर वो लैंड एक्विजिशन से चेंज होके कहाँ आ जाएगा, वो लैंड एक्विजिशन से चेंज होके आ जाएगा आपका दिस वन अगेन कि हाउ इज योर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. और क्या होता है कि बलबन जो है वो इस चीज को एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को जो है वो नर्चर करता है एंड स्पेशली सल्तनत रूल आफ्टर इल्तुतमिश एंड अलाउद्दीन खिलजी. तो अगर आप दिल्ली सल्तनत में ओवरऑल सिचुएशन देखोगे तो इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो है ये इसको एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर माना गया है दिल्ली सल्तनत का. और उसको पता था, देखो नोबल्स उसको ये कहानी पता थी कि जो पूरी कि वो खुद एक नोबल था तो उसे पता था ये जो पूरी कहानी है कि नोबल्स और व्हाट टू कॉल रूलर्स के बैलेंस ऑफ पावर की है. तो उसने सबसे पहले नोबल्स पे चेक करने के लिए
स्पाइस सिस्टम को जनरेट किया, नौरोज को शुरू किया, जैसा वहाँ सेलिब्रेट होता था सेंट्रल एशिया में वैसे ही पर्शियन फेस्टिवल ऑफ नौरोज वॉज स्टार्टेड. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वर टू थिंग्स दैट ही यू नो वॉज देयर दैट ही स्टार्टेड टू थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल उसने वो जो तुर्कान चहलगानी थी उसको ख़त्म किया एंड ही इंट्रोड्यूस प्रैक्टिस लाइक सजदा एंड पैबोस एंड सजदा. ठीक है, उसने वो चीज़ इंट्रोड्यूस की. पैबोस मीन्स किसिंग द फीट एंड सजदा मीन्स बोइंग इन पीपल प्रोस्ट्रेट बिफोर द किंग, उनके प्रोस्ट्रेशन में चले जाना, क्या के जो है दंड दंडवत या नतमस्तक हो जाना जिसे कहते हैं. ये इसने शुरुआत की क्योंकि वो मानता था कि किंग इज द शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ये उसका मानना था. उसके टाइम पे काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई, बट आफ्टर हिज डेथ इट वॉज हिज सन कैकोबाद हु सक्सीडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली. और कैकोबाद के बाद शमसुद्दीन कैमार आता है और उसको जो है ही वॉज मर्डर्ड बाय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एंड दिस लेड टू द फाउंडेशन ऑफ खिलजी डायनेस्टी. नाउ दिस इज हाउ हमने देखा हमारी जो कहानी की आज के इस वीडियो की जो कहानी की शुरुआत हुई थी वो कहानी की शुरुआत कहां से हुई थी, वो हुई थी अरब और टर्किश इन्वेजन से. लेकिन हमने ग्रेजुअली देखा कि वो लोग यहां सेटल होते हैं और वो क्या करते हैं, वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और इन सारी चीजों को क्या करते हैं, एस्टैब्लिश करना शुरू करते हैं. और ग्रेजुअली द फर्स्ट दिस इज हाउ द फर्स्ट वेरी फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत दैट इज स्लेव डायनेस्टी. उसमें भी कैसे अप्स एंड डाउन हम देखते हैं क्योंकि एक नया सिस्टम है. तो अभी यहाँ पे हमको वो एक प्रॉमिसिंग सिचुएशन नहीं नज़र आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन में, आर्किटेक्चर में. आर्किटेक्चर जो थोड़ी बहुत चीज़ें हम आगे चल के और देखेंगे, आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत हम उसमें और देखेंगे. सो दिस इज समथिंग विच हैपन्ड. और इसी स्टोरी को हम आगे अगले लेक्चर में अगले वीडियो में इसको हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कैसे दिल्ली सल्तनत का जो दूसरा हिस्सा है जहाँ पर दो मेजर डायनेस्टीज जो हैं उनका रूल आएगा. पहली है खिलजीज और उसमें अलाउद्दीन खिलजी को हमें देखना है और दूसरी है तुगलक्स. तुगलक्स में हमें मोस्टली मोहम्मद बिन तुगलक और फिर फिरोज तुगलक, ऐसे तीन इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जो हमें अभी देखने हैं. दैट इज अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज तुगलक, ये तीन हमें देखने हैं. और इसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे मुगल डायनेस्टी की या हम उस तरफ जाते हैं. तो बिफोर दैट वी विल शॉर्टली विल टेक अ ट्रिप टू द साउथ, विजयनगर हमारी किंगडम को देखेंगे और देन वी विल. सो दिस इज इट फॉर फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो जहां मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द टर्किश एंड अरब इन्वेजन, अरब एंड द टर्किश इन्वेजन जो है उसके बाद की. अगले वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की अगली आने वाली डायनेस्टीज की और किस तरीके से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ अच्छा किया, कुछ बुरा किया, कुछ ब्लंडर्स किए, कुछ कॉन्क्वेस्ट किए, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अगले वीडियो में. तब तक टेक अ गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, डू लीव योर वैल्यूएबल कमेंट्स इन दिस, दैट इज वेरी आपके, इफ इट इज प्रेजिंग अस दैट्स अ बूस्टर एंड इफ इट इज क्रिटिसाइजिंग अस इट इज समथिंग वेयर वी विल ट्राई टू इम्प्रूव आवर सेल्फ. सो डू गिव योर वैल्यूएबल कमेंट, स्प्रेड द वर्ड विद योर फ्रेंड्स and your colleagues that we are providing these things and all the rest info is given in the description box. So I'll see you in the next session. Till then, have a great time, stay safe, stay healthy. Thank you so much.